क्या यार ज़ारा, इतना कुछ हो गया यहाँ पे और तूने कुछ भी नहीं कहा। आंटी ने तेरे कपड़े जला दिए, चादर जला दी और तू चुपचाप बैठ कर देखती रह गई। हम और कर भी क्या सकते थे, रास्ते पे हम पर क्या क्या गुजरा वो बता देती, किस तरह से हम उस राइड से भाग कर निकल पाए वो बता देती। तू बुर्का पहन के वहाँ से निकली थी और हमारी जान बचाने के लिए तूने बुर्का हमें दे दिया था। नहीं रीमा, उस वक्त माहौल ही कुछ और था। अगर हम अम्मा से कुछ बोलते ना तो उल्टा डांट हमें ही पड़ती कि ऐसे माहौल में हॉस्टल से क्यों निकली, ट्रक में क्यों बैठी, अब्बा को फोन क्यों नहीं किया और अम्मा के हजार सवाल, और फिर परेशान होकर रोने लग जाती। अगर कुछ भी कहो, हमारी अम्मा हमें कितना भी डांटे हमसे प्यार बहुत करती है। अब्बा, दंगों से तुम्हारी माँ को डर लगता है और तुमने बहुत अच्छा किया जो रास्ते की कहानी अपनी अम्मा से छुपा ली, वरना वो बहुत परेशान होती। मगर बेटा, तुम दोनों को हमें तो फोन करना चाहिए था ना। अब्बा, हम इतना घबरा गए थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर ट्रेन में बैठने के बाद लगा कि अब क्या परेशान करें आपको। हालात कितने भी खराब हो, मगर तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम लखनऊ के शहर काजी की बेटी हो। शरिया बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, इस शहर के शहर काजी, काजी इरफान सिद्दीकी, इस कौम की भलाई के लिए कोई भी सख्त फैसला लेने से हमेशा हमेशा डरते हो। इस परेशानी का कोई तो हल होगा। हल है, जल्द तैयार हो जाओ, हम तुम्हें कहीं ले जाना चाहते हैं। अबू, वो कशान भाई ने कहा था कि आउटलेट देखने के लिए मॉल जाना था, तो उन्हें कहना बाद में, इस वक्त तुम हमारे साथ चलो। बिल्कुल अबू। इस जगह को पहचानते हो तुम? कभी मजाक कर रहे आप अबू, 5 साल पहले तक हमने ईद और बकरीद की नमाज यहीं आपके और कशन भाई के साथ अदा की थी। पर अबू, आज ना ईद है ना बकरीद है, तो हम यहाँ क्यों आए? एक सवाल किया था ना तुमने मुझसे कि लोकसभा में 3 तलाक का बिल पास हो गया मगर शरिया बोर्ड ने उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई। जी, पूछा था। उसका जवाब देता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ इस जगह पर बैठकर जो जो शख्स ईद की नमाज की रहनुमाई करता है, जिसके पीछे बैठकर सारा शहर नमाज पढ़ता है, लखनऊ का शहर काजी, दरअसल वो एक बहुत कमजोर इंसान है बेटा। हमारी कौम की खैरियत के लिए वो कोई भी सख्त फैसला ले ही नहीं पाता है। ये 3 तलाक का मुद्दा, अगर उसी की जगह कोई और शख्स होता ना तो अब तक ये मुद्दा सड़कों तक पहुंच गया होता। क्या मतलब? तुम्हें पता है हमने तुम्हें मौलवियत क्यों पढ़वाई? या आप बेहतर जानते हैं। आज जहां हम खड़े हैं ना, जिस मुकाम तक हम पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने में हमें बहुत मेहनत लगी है और आज हमारे पास सब कुछ है, मगर वो एक चीज नहीं है जो एक शहर काजी के पास होती है, वो इज्जत, वो एहतराम, वो नहीं है हमारे पास। और हम चाहते हैं कि तुम हमारा वो ख्वाब पूरा करो बेटा। हम चाहते हैं कि तुम इस कौम के लीडर बनो, तुम बनो लखनऊ के शहर काजी। बताओ बेटा, क्या तुम अपने सब्बू का ख्वाब पूरा करोगे? क्या तुम हमें वो इज्जत, वो एहतराम ला के दोगे जिसकी हमें इतनी बेसब्री से चाह? जी अब्बू, आपका ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। वैसे भी इस कौम को रोशनी की जरूरत है। जरूर पूरा होगा।